हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वही बात करें तो टाटा आईपीएल 2023 का 48वां मुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच, यह मुकाबला 5 मई फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर यह मुकाबला सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में दोनों ही टीमों के बीच कड़ाके की टक्कर होने वाली है। तो वही पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के सामने हारा कि राजस्थान रॉयल्स को हार का भी सामना करना पड़ा है। तो वही गुजरात टाइटंस की टीम ने हालांकि यह मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में और करीब होना चाहेगी। वही फ्रेंड्स बात कर तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने हालांकि इस सीजन में कुल अब तक 9 मुकाबले भी खेल चुके हैं, तो वही 5 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है, तो वही 4 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन पॉइंट टेबल के चौथे स्थान पर भी हैं। तो वही फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस की टीम ने हालांकि इस सीजन में कुल अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, तो वही 6 मुकाबले में जीत हासिल कर पाए हैं, तो 3 मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन पॉइंट टेबल के पहले ही स्थान पर भी हैं। तो वही फ्रेंड्स बात करने वाले हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट्स, बॉड टीम प्लेइंग 11, मैच प्रिडिक्शन यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, दोनों ही टीमों के इंपैक्ट प्लेयर के भी बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो वही फ्रेंड्स पहले बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। हालांकि दोनों टीमों के बीच अब तक 4 ही मुकाबले में आमना सामना हुआ है, तो वही गुजरात टाइटंस की टीम ने 3 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1 ही मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। हालांकि दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। यहां की पिच पर तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। हालांकि पिछले मैच में इस पिच पर एक बहुत ही बड़ा स्कोर भी देखने को मिला था, ऐसे में उम्मीद है कि इस मैच में भी एक बड़ा स्कोर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पिच पर अब तक कुल 47 मैच भी खेले जा चुके हैं, तो टारगेट का पीछा करने वाली टीम 32 मुकाबले में जीत हासिल की है, तो पहले बैटिंग करने वाली टीम 17 ही मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है। इस पिच पर सभी टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी ही करना चाहेंगी, क्योंकि इस पिच पर रन चेस करना भी आसान होता है। तो यह है फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट। अब वही बात करते हैं दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11। तो पहले हालांकि बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। तो पहले नंबर पर संजू सैमसन कप्तान प्लस विकेट कीपर यानी कि ऑलराउंडर है। तो दूसरे नंबर पर जोश बटलर है। तीसरे नंबर पर बैटमैन यशस्वी जय सवाल है। हालांकि चौथे नंबर पर देवदत्त पाडिकल बैटमैन है। तो पांचवे नंबर पर सिमरन हटमायर है। छठवे नंबर पर ध्रुव जुरेल है। सातवे नंबर पर रवि चंद्र अश्विन है। आठवे नंबर पर स्पिन बॉलर एडम जंपा है। नौवे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट है। तो दसवें नंबर पर फास्ट बॉलर संदीप शर्मा है। ग्यारहवें नंबर पर युजेंद्र चहल स्पिनर बॉलर हैं। यह फ्रेंड्स राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 जो कि अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस का सामना करने उतरेगी शाम 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर। अब वही बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के इंपैक्ट प्लेयर हालांकि जयसन होल्डर हैं। तो ये फ्रेंड्स बात करते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। तो पहले नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। तो दूसरे नंबर पर बैटमैन रिद्धिमान साह है, विकेट कीपर यानी कि ऑलराउंडर है। तीसरे नंबर पर बैटमैन शुभमन गिल है। चौथे नंबर पर बैटमैन विजय शंकर है। पांचवे नंबर पर अभिनव मनोहर है। छठवे नंबर पर बैटमैन डेविड मिलर है। सातवें नंबर पर बैटमैन राहुल तेवतिया है। आठवें नंबर पर ऑलराउंडर राशिद खान है। तो वही नौवे नंबर पर मोहम्मद शमी फास्ट बॉलर हैं। दसवें नंबर पर फास्ट बॉलर नूर अहमद हैं। ग्यारहवें नंबर पर फास्ट बॉलर मोहित शर्मा हैं। यह है फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। वही बात करते हैं गुजरात टाइटंस के इंपैक्ट प्लेयर हालांकि जोशुआ लिटल हैं। तो यह है फ्रेंड्स दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर।
अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन की, यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। तो यह है फ्रेंड्स दोनों टीमों की, हालांकि आंकड़े भी देखा जाए तो चार ही मुकाबले में आमना सामना भी हुआ है। तो ही गुजरात टाइटंस की टीम ने तीन मुकाबले में जीत हासिल की है, तो एक मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स बात करें, हालांकि गुजरात टाइटंस की टीम की पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। हालांकि फ्रेंड्स ये मैच इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, लेकिन फ्रेंड्स हमारी तरफ से ज्यादा चांस है गुजरात टाइटंस की टीम को जीतने की, क्योंकि दोनों ही टीमों इस समय हालांकि काफी ही फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।